मेरा ना एक दोस्त होता था 10th में, वो ना 6 बजे उठता था क्योंकि 7 बजे हमारा स्कूल होता था, तो 1 घंटा लगता था थोड़ा मतलब तैयार वैयार होना, निकलना स्कूल के लिए। 7 से 1 बजे तक स्कूल, 1 से 2 उसके घर जाने का टाइम लगता था। 3 बजे तक वो खाना पी तक खाना खाता था, कपड़े चेंज वगैरह सब करता था, फिर 3 घंटे की ट्यूशन। 3 घंटे ट्यूशन लगा के 2 घंटे आके सेल्फ स्टडी वगैरह सब करनी, रिटर्न वर्क करना, स्कूल का होमवर्क है वो सब करना, फिर थोड़ा बहुत टाइम फ़ोन पर लगा के खा के खाना पीना खा के 6 से 7 घंटे की नींद, ठीक है, कई बार 8 की भी हो जाती, 6 की भी हो जाती, तो एवरेज 7 घंटे। पूरा दिन निकल गया, 24 घंटे निकल गए। एंड ये जो कहानी है ना पूरी, ये सिर्फ उस दोस्त की नहीं है, तुम सबकी है जो करंटली अभी 10th में है। हाँ, कुछ लोग होंगे जो ट्यूशन नहीं जाते, कुछ लोग कहेंगे वो फ़ोन पे ज़्यादा टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम के अपना टाइम स्पेंड चेक कर लेना, इससे ज़्यादा होगा, ये 2 घंटे मैंने मिनिमम लिया है तो काउंट करा। तुम कहते हो कि भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम जा कर रहा है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आई एम सॉरी टू से, बहुत लोग डिसएग्री करेंगे इस चीज़ पर ये जो पढ़ाई है ना तुम्हारी, यही तुम्हारे लिए बहुत गलत चीज़ है। गलत चीज़ इन द सेंस, ये जो 10th में तुम टॉक्सिकली पढ़ रहे हो, ये तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही, ये तुम्हें नीचे लेके आ रही है। तुम कहोगे कैसे? तुम शुरू से पढ़ रहे हो, ठीक है, ब्लाइंडली पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं पता, ये जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, ठीक है, प्रोजेक्ट्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, ट्यूशंस, ये वो चीज़ें, तुम बस पढ़ते जा रहे हो हर चीज़ से। तुम क्यों पढ़ रहे हो? कि नंबर आ जाएंगे बोर्ड में, बोर्ड में नंबर आ गए, अच्छा ठीक है। बोर्ड में नंबर आने के बाद ना किसी को पता नहीं होता कि स्ट्रीम कौन सी लेनी है, क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, पता ही नहीं है मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद। पढ़ते तो रह गए, या पढ़ते नहीं रह गए तो इंस्टाग्राम चलाते रह गए, पबजी खेलते रह गए, और भी गेम्स है जो सब वेस्ट करते रह गए टाइम, ठीक है। खुद का कुछ नहीं पता, खुद को किसी ने सोचा ही नहीं, एक्सप्लोर ही नहीं किया, पता ही नहीं किया कि मैं कौन हूँ, मुझे मेरे क्या इंटरेस्ट है। ये ना 10th फेल होगी तुम्हारी, तुम ये समझ लो। तो अभी तुम मोस्ट प्रोबेबली अगर ये वीडियो देख रहे हो, ये देख रहे हो, तुम 10th में हो अभी, तुम्हारे पास स्टिल टाइम है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा 11th वाले के पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, बट हाँ वो कॉलेज में आके अपने आप को समझ सकते हैं, बट अभी उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। 11th क्लास ना ग्राइंड करने की होती है, करियर समझने वगैरह की इतनी होती नहीं है। 10th तक तुम्हें समझना है पूरी 10th में कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या पसंद है। 11th 12th में ग्राइंड करना है, एक ना लेज़र फोकस होता है, वो सिर्फ एक चीज़ पर करना होता है, वो होती है 11th 12th, कि सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दूंगा पूरी लेज़र फोकस के साथ। पर वो एक चीज़ समझने के लिए कि मैं वो कौन सी एक चीज़ है जो मुझे पसंद है, 20 चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं, ठीक है। कभी की है वो 20 चीज़ें ट्राई? नहीं, मैं स्मोकिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा कि मैंने जी 20 चीज़ें ट्राई करनी है, नहीं, नई हैबिट्स, नई चीज़ें, नई गेम्स, नहीं, हर एक नई चीज़ ट्राई किया नहीं। ये जो तुम्हें लग रहा है ना, ये दिक्कतें दे रही हैं, ये तुम्हारा कंफर्ट जोन बन गया है। ट्यूशंस वगैरह ये वो मुश्किल है पर कंफर्ट जोन बन चुका है। बाहर निकलना क्यों ज़रूरी है कंफर्ट जोन से? ये नहीं कि बाहर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बाहर बहुत मज़ा आएगा, बाहर बहुत मतलब अचीवमेंट्स है, पैसा पैसा, ये नहीं है। बाहर क्या है? बाहर है नई चीज़ें, उससे क्या होगा? ये जो रूटीन है ये तुम्हारा हिल जाएगा, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कुछ नया आएगा दिमाग में भाई। ये फंसे हुए तुम बंदे हो, आंखें बंद, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा दुनिया में सब सीख जाओगे, पर एटलीस्ट देखना तो आ जाएगा दुनिया को। तुम कह रहे हो समझ नहीं आ रही है, 24 घंटे तुम्हारी ज़िंदगी में, अगर मैं 10th की बात करूं, 12th में भी इतने ही होते हैं, पर आखिर 10th की बात करूं, इसमें तुम पढ़ रहे हो वगैरह सब सब ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है, बट एक लिमिट तक, उसके बाद नई चीज़ें ट्राई करनी है। रोज़ 15 मिनट दो, पर कोई नई चीज़ तो करो। कोई नई चीज़ जब हम सुनते हैं तो क्या पैशन, पैशन क्या दिमाग में आता है? जी मैं क्रिकेट खेल लूँ, पैशन आता है मैं क्या डांस कर लूँ, मैं गाना गा लूँ, हो गया पैशन, ख़त्म हो गया पैशन? नहीं, दिमाग इतना नैरो है, कुछ पता ही नहीं है, तभी तो नहीं कुछ आ रहा दिमाग में। सोचो, सोच के देखो तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, इतना कुछ पता ही नहीं होगा। नंबरों के अलावा अपनी कोई पर्सनैलिटी बनाई है तुमने? नहीं बनाई। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि अभी तुम पर्सनैलिटी में बायो में ये लिखने जो कि मैं 10 लाख कमा चुका हूँ, ये कमा चुका हूँ, वो नहीं करना। पैसे की बात ही नहीं हो रही है यार यहाँ पे, इंटरेस्ट की बात हो रही है। 10th की जो 10th ख़त्म होती है ना, मैं 10th के बाद की बात कर रहा हूँ। ये जो वॉइड है 10th के बाद, ये 11th है, इसके बीच में जो 1-2 हफ्ते मिलते हैं ना बच्चों को करियर चूज़ करने में, बौंदल जाते हैं यहाँ पे। फिर यूट्यूब पे देखते हैं ये करियर में अच्छा, ये करियर में स्कोप है, ये करियर में स्कोप, स्कोप हर चीज़ में है। एक चीज़ समझ लो, स्कोप हर एक फील्ड में है, अनटिल अनलेस वो बहुत ही पुरानी है और उसका कोई यूज़ ही नहीं है आज तक। अगर तुम सुन रहे हो, तुम्हारे आसपास कोई है, उसमें स्कोप है। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि तुम कौन सी फील्ड में जा रहे हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम वो फील्ड में कहाँ पे हो, ठीक है, टॉप पे हो, बॉटम पे हो, कहाँ पे हो। अब ये चीज़ तुम कहोगे, ये लाइन तो सुनी सुनी लग रही है, हाँ मैंने भी कहीं यूट्यूब से उठाई है, मुझे नहीं पता लिटरली कि मैंने कहाँ सुनी है, बट मे भी किसी यूट्यूबर से ही सुनी है ये लाइन। ये ढूंढने पे आता है ना मेरा दिमाग, मुझे ये पर्सपेक्टिव कैसे मिला? यूट्यूब ढूंढ के, चीज़ें ढूंढ के, YouTube, बुक्स वगैरह, जो चीज़ पसंद है देखो, समझो, नॉलेज लो, पॉडकास्ट सुनो, ये जो भी करना है करो, पर नई चीज़ें एक्सप्लोर करो। अब तुम कहोगे मेरे पास टाइम नहीं है, समर वेकेशंस का नाम सुना है? समर वेकेशंस आ रही हैं अभी तुम्हारी, ठीक है। इस चैनल पे ना मैं डालने लगा हूँ कि
कैसे अपने आप को एक्सप्लोर करें, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत एपिक सा यूट्यूब पे धमाका कर दूंगा, ये कर दूंगा, नहीं, बहुत सिंपल सा होगा बट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, एपिक नहीं है, एसेंशियल है। तो ये जो समर वेकेशंस आ रही है ना, इनमें हमने सीखना है खुद को जानना। ये नहीं है कि एक महीने के बाद तुम ऐसे निकलोगे, मुझे तो पता है ज़िंदगी में क्या करना है, नहीं, बट एक स्टार्ट हो जाएगी जर्नी अपने आप को ऑब्जर्व करने की, जो कि इवेंचुअली तुम 10th के ख़त्म होने तक कुछ हद तक समझ जाओगे अपने आप को, उस हिसाब से स्ट्रीम चूज करोगे, रिग्रेट नहीं करोगे। क्योंकि रिग्रेट ना भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें देता है फ्यूचर में, तुम्हें लगता है कि यार मैंने गलत कर लिया, मैं ही गलत हूँ, अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हो। ये ब्लेम गेम खेल के कुछ नहीं होता, चाहे दूसरों करो चाहे खुद को करो, नहीं जीतते। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है एक्शन की अपने, और उसके बाद काम करना पड़ता है, ठीक है। तो एक चीज़, अगर ये कुछ मेरा चैनल को फॉलो नहीं करना वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, बट एक लेसन लेके जाना है ना इस वीडियो से, तो ये लेके जाओ कि भाई खुद को एक्सप्लोर करो खुद को। ये बहुत एक्सट्रीम अच्छा वर्ड है, ये बहुत, मतलब लोग समझते नहीं है इसकी इंपॉर्टेंस, एक्सप्लोर। तुम एज अ स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हो, एक्सप्लोर करो यार अपने आप को, पढ़ना है। मैंने डेफिनेटली पहले वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बनाया पढ़ना कैसे है, पढ़ने को मैं कभी इग्नोर नहीं करता। 11th में ना मैं ही वो बंदा हूँगा जो तुम्हें बोलेगा कि जाके पढ़, क्योंकि 11th इंपॉर्टेंट है। 11th में करियर देखना पड़ता है, 11th 12th में, ठीक है, तब से करियर की रेस शुरू हो जाती है, करियर की रेस। ऑब्वियसली अगर तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो तो आसपास ज़्यादा देखना पड़ेगा, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, फ़र्क पड़ता है कि बाकी कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाकी किस क्वालिटी में पढ़ रहे हैं, वो तुम्हें देखना पड़ता है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव है, बाकियों से कॉम्पीट करना है तो देखना पड़ेगा उनका, ठीक है। अगर वो रोज 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली मे बी मोस्ट प्रोबेबली वो ज़्यादा अच्छा होगा तुमसे, ज़्यादा आता होगा उसे, ज़्यादा याद होगा उसे तुम 3 घंटे वाले। इसलिए 10th इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दैट, उसके बाद कॉलेज है। अगर 10th निकल गई तो 11th 12th में ही गलती मत करना। अगर थोड़ा बहुत ठीक है तो उससे स्ट्रीम चूज कर लेना, उसमें भी मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी हेल्प करूँ, बट अभी तुम देख लो 10th क्लास 11th क्लास बीच का टाइम पता होना चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हें इंपॉर्टेंट क्या है। वो कैसे पता चलेगा, अपने आप को एक्सप्लोर करो। अगर खुद करना है तो खुद कर लो, बाकी इस चैनल पर मैं कोशिश करूँगा वीडियोज़ आएँ, ठीक है। लाइफ में सब कुछ हो जाएगा, खुद को अगर नहीं जानना ना तो कभी भी डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा। डिसीजन नहीं ले पाते, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे लोग है पता ही नहीं है खुद को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। मैं ये नहीं कह रहा कि पाव भाजी पसंद है कि डोसा पसंद है, ये चीज़ें पता लग जाती हैं, बट इसेंशियल चीज़ें ना, क्या चीज़ें तुम्हें पसंद है, तुम किस तरीके के इंसान हो, अच्छा बुरे की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। फिर एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, हाँ ये भी पता होना चाहिए कि पर्सनैलिटी कौन सी है, कैसी सूट करती है, और पर्सनैलिटी परमानेंट नहीं होती, ये भी याद रखना। बाकी इस वीडियो को यही एंड करता हूँ मैं, एक्सप्लोर करो अपने आप को, ठीक है। इस वीडियो तुम कहोगे वीडियो का मतलब क्या था, पॉइंट यही था, 10th में हो अपने आप को एक्सप्लोर करो, पढ़ाई करो बट एक्सप्लोर ज़्यादा करो, अपने आप को समझो। ऐसा नहीं कि बाहर गेड़िया मारने निकल के उससे एक्सप्लोर होगा, नहीं। कैसे एक्सप्लोर करना है इस चैनल पर तुम्हें बता दूंगा। बाय, जाओ, गुड बाय।